पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा का पंखा रोड अब धीरे धीरे गाजीपुर लैंडफिल के रूप में तब्दील होता जा रहा है। मेरे तस्वीरों के पीछे आपको कूड़ा दिख रहा होगा और ये कूड़ा अभी कुछ देर पहले यहाँ साफ था, लेकिन यहाँ पर एमसीडी और एसडीएमसी की गाड़ी द्वारा यहाँ पर एक के बाद एक ट्रकों को यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वेस्ट जो पश्चिमी दिल्ली के ये तमाम जो पूरी पश्चिमी दिल्ली का जो कूड़ा है वो इस इलाके में आ रहा है। आपको बता दें कि देखिए अभी जो कूड़े का धीरे धीरे 4 से 5 ट्रक आए हैं, हमने आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि अभी यहाँ पे एसडीएमसी और एमसीडी का दोनों ट्रक है जो यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये कूड़ा है अभी धीरे धीरे जब ये कूड़ा और बढ़ेगा तो देखिए आधा रोड पूरा घेर लेता है, जिसके वजह से यहाँ पे सड़क हादसे भी होते हैं। आपको बता दें कि देखिए एमसीडी और एसडीएमसी दोनों ही किस तरह से राजनीति करती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, वो यहाँ पे आई थी और इसके बाद जो कूड़े की राजनीति भी काफी गड़बड़ाई हुई थी। इसके बाद जो एमसीडी की जो मेयर है जो सैली ओबराय वो यहाँ पे आई थी और उसको उनके दौरे के दौरान ये पूरा कूड़ा है पूरा साफ कर दिया गया था और उनको दिखाया गया था कि जनकपुरी विधानसभा में कूड़े पर किस तरह से साफ सफाई का जो काम है जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही वो मेयर यहाँ से जाती है उसके कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे एक बार फिर कूड़े का अंबार लग जाता है। और देखिए हैरानी वाली बात यह है, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका कार्यालय है और इसके अलावा यहाँ से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है उनका कार्यालय है। और इस इलाके में मान के चलिए कि जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता इस इलाके में रहते हैं, साथ ही इस रोड के उस तरफ की बात करूंगा, देखिए यहाँ पे कुछ निजी अस्पताल है, कुछ निजी बैंक भी आपको दिख रहे होंगे और यह एक पोस्ट एरिया माना जाता है। लेकिन बावजूद आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कूड़ा है जो आधे सड़कों पर रहता है। आमतौर पर यहाँ पर जो सड़क हादसे भी होते हैं, कोई एक्सीडेंट की खबरें भी सामने आती है, जिसको लेकर अब देखिए पहले जब मेयर और जो राज्यसभा सांसद है तब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर साफ सफाई करवा दी जाती है, जिसके बाद क्या होता है जब वो चले जाते हैं तो वही एमसीडी के अधिकारी वही एमसीडी के पार्षद यहाँ पर कूड़ा फेंकवाते हैं। और देखिए जो हालत है अब कहीं ना कहीं लैंडफिल होते हुए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहला गाजीपुर में आपने देखा होगा कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, तो अब धीरे धीरे अब जनकपुरी के पंखा रोड पे भी आपको कूड़े का पहाड़ जल्द ही बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लोग हैं वो यहाँ पे आने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर जो निगम पार्षद है उनके द्वारा यहाँ पर गाड़ी नहीं पहुंचाई जाती तो लोग है वो मजबूर होते हैं। और जिस इलाकों में गाड़ियां जाती है वही एमसीडी वाले जो कूड़े पर राजनीति करते हैं वही एमसीडी के पार्षद यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं। अब ऐसे में लोगों की समस्या है वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। देखिए आपको क्योंकि देखो एमसीडी की गाड़ी के बाद भी जो आपको रिक्शे दिख रहे होंगे ये वो रिक्शे हैं जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वो ये लोग हैं वो घरों से कूड़ा उठाते हैं और कूड़ा उठाने के बाद यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं। तो देखिए कि जल्द ही अब जो गाजीपुर का लैंडफिल है ठीक ऐसा ही लैंडफिल आपको एक जनकपुरी में भी देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी अब जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है पार्षद विधायक के, क्योंकि आपको बता दूं कि पंजाब केसरी लगातार इस कूड़े के खबर को लगातार ग्राउंड जीरो से उठा रहा है और तस्वीरें अब तक लेकर के आ रहा है, लेकिन बावजूद जो निगम पार्षद है विधायक है उनको इस खबर की भी जानकारी दी जाती है, लेकिन बावजूद कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं देखा जा रहा। हालत जो कि त्यों है, पहले ये लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर खत्ता आपको दिखाऊंगा, खत्ता आपको दिख रहा होगा जहां पर कूड़ा डालना चाहिए, लेकिन वहां से देखिए वहां से लेकर के लगभग आधा किलोमीटर का जो रास्ता है पूरा कूड़े के पहाड़ के रूप में तब्दील होता जा रहा है। खुद जो नेता जो राजनीति करते हैं कूड़े को लेकर वही नेता यहाँ पर कूड़ा फेंकवाते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है जब बड़े नेता आते हैं तब यहाँ की साफ सफाई करवा करके दिल्ली को चमकता हुआ दिखाते हैं, लेकिन जब वो बड़े नेता चले जाते हैं तो स्थानीय नेता ही इस जो कूड़े के पहाड़ों को बनाने में बड़ी मदद करते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना पंजाब के सी.डॉट.कॉम दिल्ली।